देश विदेश के सज्जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडा मित्र डॉक्टर तरसेम सिंह, तुसीं देख रहे जे देसी नुस्खे डॉक्टर गोलन आयुर्वैदिक चैनल। मैं तुहानूं देसी जड़ी बूटियां की जान पहचान करवाउंदा रहिंदा वां, नाले कीमती देसी नुस्खे तुहानूं दसदा रहिंदा वां। अज एक होर आयुर्वैदिक जड़ी बूटी की जानकारी देण लग्यां तुहानूं, बड़ी करामाती जड़ी बूटी की जानकारी देण लग्यां वां, क्योंकि इहदे विच प्रोटीन, अमीनो एसिड, बीटा कैंटीन ते वख-वख फिनोलक पाए जांदे आ, ते कैल्शियम भी भरपूर मात्रा विच पाया जांदा वा, जिस दे नाल हड्डियां ते दंद मजबूत हो जांदे आ। होर मोटापा ते शरीर दी वधी हुई चर्बी नूं दूर करन लई इह जड़ी बूटी वरदान आ, क्योंकि इस दे विच फास्फोरस की मात्रा पाई जांदी आ, जो शरीर की वाधू चर्बी ते कैलरी नूं खत्म कर देंदी आ। खून साफ हो जाता वा, अखां दी रोशनी वध जाती आ, कोई जिगर की समस्या होवे, तिली रोग होवे, मांसपेशियां दी कमजोरी होवे, खून दियां नाड़ियां दी समस्या होवे, कोई एक अंग शरीर दा सुन हुंदा होवे, दिमागी कमजोरी, शुगर, डाइजेशन, वाल लंबे करने होण ते अल्सर, हाई बीपी, घबराहट, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह बहुत सारिया बीमारियां इहदे नाल खत्म कीतियां जांदियां वा। ये डेली दी खुराक दे विच भी आपां इहनूं इस्तेमाल कर सकदे हां, वध दी उम्र दे बच्चियां लई भी इहनूं इस्तेमाल कीता जांदा वा, इस्त्रियां दे लई भी इस जड़ी बूटी नूं इस्तेमाल कीता जांदा वा। जे इस जड़ी बूटी नूं कल्प ब्रिख समझ लिया जावे उस नालों कुछ घट नहीं, क्योंकि यह जड़ी बूटी भी एक वरदान आ सभना लई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तरसेम सिंह गोलन, अज मैं तुहानूं सुहाजने दे बारे जानकारी देण लगा वां, सुहाजने दी पूरी जानकारी दूंगा, नाले तुहानूं नुस्खे दसदा वां भी इहनूं तैयार किस तरह करना वा, किदां बनाउणा वा। ये बड़ी वधिया जड़ी बूटी है जिहदे बारे तुहानूं मैं जानकारी देण लगा वां, जिथे इस नूं दवाइयां दे तौर ते वरत्या जांदा उत्थे इस दी फलियां दी सब्जी भी बनाई जांदी आ, जो बहुत स्वाद, पौष्टिक ते हैल्दी बनदी आ। होर इहदी जड़ दा अचार भी पाया जांदा वा, जो काफ़ी कीमती हुंदा वा, मार्केट दे विचों काफ़ी महंगा मिलदा वा। इहदी पहचान तुसीं आप कर लो, इहदे बीज हुंदे आ इहदियां फलियां दे विच, उहनां बीजां दा तेल निकलदा वा, जो दर्दां वास्ते बहुत वधिया ते कारगर हुंदा वा। बाकी इहदियां तीन जातां हुंदियां वा ते फुल्लां तों पछाणियां जांदियां वा, लाल, नीली ते चिट्टी। इह चिट्टी आ इह खाण दे विच थोड़ी जी कसैली माड़ी माड़ी कड़त्तन मारदी आ, एक लाल जात हुंदी आ उह मिठी हुंदी आ। इस तरह फुल्लां तों इहनां दी पहचान कीती जांदी आ, ते बाकी कम सारिआं दे बराबर ही आ। किहड़ी बीमारी दे किद्दां खाणा वा सारा कुछ मैं तुहानूं विस्तार पूर्वक दसदा वां। वीडियो नूं लाइक, शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि इह आयुर्वैदिक जड़ी बूटियां दी जानकारी हर किसे सज्जन तक पहुँच सके। सुहांजने का बूटा पूरा ही काम दे विच लिया जांदा वा, सुहांजने नूं फुल लगदे आ, बाद दे विच लगदियां वा फलियां, फलियां लंबियां लंबियां हुंदियां वा, सब्जी बनाउण दे भी काम आउंदियां वा। सुहांजने का बूटा बहुत वधिया ते बड़ा प्रसिद्ध मन्निया गया वा। सुहांजने की छिल, सुहांजने की जड़, सुहांजने के पत्ते, फल, फुल, बूर, मतलब कि सुहांजने की कली कली चीज़ कम दे विच आउंदी आ, हर चीज़ भी जड़ां तो लै के पूरा बूटा ही कम दे विच लिया जांदा वा। सुहांजने का पेट का कोई भी रोग होवे, गले का रोग कोई होवे, कन्न का रोग कोई होवे, कोई सिर दर्द होवे, खंघ, साह, दमा, बलगम होवे, ते इस तरह दीआं बहुत सारीआं बीमारियां इहदे नाल ठीक हुंदीआं वा, जिवें कोई दंदां दा रोग होवे, मूँह दा रोग होवे, ते शरीरक कमजोरी होवे, आम बॉडी दे विच दर्दां वा, मानसिक रोगों से भी इनू काम दे विच लिया जांदा वा, मानसिक बीमारियों लिए बहुत वधिया वा, गुरदियां दीआं बीमारियां ते इनू इस्तेमाल किया जांदा वा, गुरदियां दे विकार सुहाजने दे नाल ठीक किए जाते हैं। इस तरह दीआं बहुत सारिया बीमारियां जिहड़ियां सुहाजने दे नाल ठीक हुंदियां वा, तुहानू सारा कुछ मैं दसूँगा विस्तार दे नाल, सुहाजने दे बारे पूरी जानकारी दूँगा। फिर मेरी बेनती है, वीडियो नूं लाइक, शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, कि आयुर्वैदिक जड़ी बूटियां दी जानकारी हर घर हर सज्जन तक पहुँच सके। इन्हां जड़ी बूटियां दी सांभ संभाल भी करनी बहुत जरूरी आ। इह सुहांजने दा दरख्त आ, इह हर घर दे विच लाया जा सकदा वा, मतलब हर जगह दे उत्ते पंजाब दे विच इह सुहांजने दा बूटा पाया जांदा वा ते हर जगह ते उग जांदा वा। सुहांजने दे होर भी काफ़ी नाम लै जांदे आ। सुहांजने दा लेटिन नाम
मुरिंगा ओलीफेरा ट्री, हिंदी विच सहजन मुनगा, इंग्लिश विच ड्रमस्टिक ट्री, हॉर्स रेडिश, संस्कृत विच इनू कह देंदे आ सोभा जन, शिगू, ए तिक्षण गंध, अकसीव, मोचक, सुभाजन। गुजराती विच कह देंदे आ सेग तो सरगवो, तेलुगु विच मुनगा, तमिल विच मुरुगाई मुरुकाई, बंगाली विच सजीना, नेपाली विच सजियौन, पंजाबी विच सुहाजना सहजना, मराठी दे विच सेवगी सेगटा, मलयालम विच सहजनो सरहीजोना। इस तरह बहुत सारे नाम लए जांदे बहु भाषा दे विच मुरिंगा दे सुहाजने दे। होर लीवर की किसी भी तरह की समस्या होवे, जां तिल्ली रोग होवे, जां मांसपेशियां विच कमजोरी आई होवे, जां खून दियां नाड़ियां की समस्या होवे, जां हाथ पैर ठरदे होण, जां हाथ पैर सुन्न हो जांदे होण, किसी भी तरह की शरीरक कमजोरी आ सुहाजने नाल दूर हो जांदी। इहदी पहचान कर लैणी बहुत जरूरी आ सुहाजने की। चंगी तरह पहचान कराउण दा मतलब इहो ही आ भी जदों तुसीं औषधि लैणी आ तुसीं इहो ही औषधि लो जिहड़ी तुहानूं दिखाई जा रही है। कई वारी को रलदियां मिलदियां होर भी हुंदियां वा, कई वारी बंदा भुलेखा खा जांदा, इह चीज़ा भुलेखा नहीं खाना। हुण तुहानूं नुस्खे दसदे हां कि सुहाजने नूं किस तर्हां वरतना वा, किहड़ी बीमारी दे उत्ते की फायदे हैगे आ इहदे। हाई बीपी होवे जां घबराहट जां चक्कर आउंदे होण तां मुरिंगा दे पत्तियां दा रस कढ के पीता जा सकदा वा, जां इहदे पत्तियां दा काढ़ा बणा के भी पीता जांदा वा, बीपी नूं नॉर्मल कर देंदा वा। होर अगर स्टैमिना घट गया वा, शरीरक कमजोरी आ, जां आलस सुस्ती थकावट किसी भी तरह की वीकनेस आ, सुहाजने दे 8-10 फुल लै के ते इन्हां नूं दुध विच उबाल के 2 टाइम पीण दे नाल हर तरह की कमजोरी दूर हो जाएगी ते स्टैमिना वध जाएगा। ज़्यादातर बीमारियां दे विच इहदे पत्तियां दा रस, पत्तियां दा काढ़ा, जां पूरे बूटे दे पंचांग दा काढ़ा, जां पत्तियां दा पाउडर, जां जड़ दा पाउडर, छिल, फुल, इहदी हर एक चीज़ कम दे विच ली जांदी आ। ज़्यादातर जिन्नियां भी बीमारियां दसियां वा तुहानूं उहदे विच ज़्यादातर जां ते इहदा पी सकदे आ तुसीं काढ़ा बणा के, जां पी सकदे आ पत्तियां दा रस कढ के, ते जां इहदे पत्तियां नूं सावें सुका के पाउडर बणा के अद्धा अद्धा चमचा इहदे पाउडर दा 2 टाइम लै सकदे आ। अगर सर्दी दे कारण सिर दर्द हुंदा वा ते सुहाजने दे पत्तियां नूं पानी दे विच लेप तैयार करके मथे ते लाओ ते उहदे नाल सर्दी दे नाल हुंदा सिर दर्द ठीक हो जाऊगा। अगर होर किसे कारण सिर दर्द हुंदा वा ते थोड़ियां जिहियां कालियां मिर्चां पा के इहदे पत्तियां दे विच उहदा लेप तैयार करके मथे ते लाओ, हर तरह की सिर दर्द उहदे नाल ठीक हो जाऊगी। होर अगर सिर नूं बुखार होया वा जां टाइफाइड बुखार होया वा, सुहाजने की ताज़ी जड़ 20 ग्राम लै के 100 मिलीग्राम पानी दे विच उबालो ते पानी नूं छान के भुन के ठंडा करके पीण दे नाल बुखार नूं आराम मिलेगा। होर अगर अखां दे विचों पानी वगदा वा उत्थे सुहाजने दे पत्तियां नूं कुट के उहदियां टिक्कियां बना के अखां दे उपर रखो, रखण दे नाल अखां दे विचों पानी वगना ठीक हो जाऊगा, अखां नूं ठंडक मिलेगी। होर किसी वेले गला बह जाता वा जां बोलिया ना जावे तो सुहाजने की जड़ का काढ़ा बना के गरारे किए जान ते उहदे नाल काफ़ी लाभ हो जाता वा। होर अगर कोई दंदा का रोग है किसी भी तरह का, उत्थे सुहाजने की जड़ नूं पानी विच घोल के उहदे गरारे किए जान तां दंदा दियां बीमारियां ठीक हो जांदियां वा। होर किसी नूं दमा वा जां साह का रोग आ उहदे विच सुहाजने के पत्तियां का रस ते अदकर दा रस लै लेना वा बराबर मात्रा दे विच ते 10 तों 15 मिली 2 टाइम दिहाड़ी विच पीण दे नाल साह आसानी नाल आउण लग जांदा वा। होर इस तों अलावा किसी भी तरह का पेट का रोग आ, जठरा अग्नि मध्यम हो गई आ, कोई चीज़ पचदी नहीं गी, जां घट भुख आ, उहदे विच की करना वा, सुहाजने की जड़ लै लेनी है ताज़ी, नाल लै लेनी है सरों के नाल लै लेना वा अदकर, ये तिने चीज़ां बराबर मात्रा विच लै के एक एक ग्राम दियां गोलियां बना के 2-2 गोलियां 2 टाइम लो, ये लैण नाल हर तरह का पेट का रोग दूर हो जाएगा। होर पाचन क्रिया वास्ते 10 तों 20 मिलीग्राम लै लेना वा सुहाजने का काढ़ा, तो 2 ग्राम सुंड पा के विच लगातार पीओ, पीण दे नाल हर तरह की पेट का भी रोग दूर होगा तो पाचन क्रिया जिहड़ी है तंदुरुस्त हो जाएगी।
ਹੋਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, 100 ਗ੍ਰਾਮ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਸੁੰਡ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ 1-1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ 1-1 ਗੋਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਅਤੇ ਸੁਹਾਜਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਛਿੱਲ 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਗੈਠੀਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਦਕਰ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ 1-1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 2-2 ਟਾਈਮ 2 ਵਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਜੇ ਘੁਟਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਅਤੇ ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨ ਪੀਸ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਨੋ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੋਰ ਗਠੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੱਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਬਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਸਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਦਰ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰੜ ਫੜੜ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਵਾ, ਸੁਹਾਜਣੇ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲਕਵੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੁਹਾਜਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਜਣੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲਨ, ਓਨਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੋਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੀਰਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਜਗਰਾਓਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦੱਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਮਝਣੀ ਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ।